तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एंटा एसिड्स के बारे में। बात करें हम लोग यहाँ पे एंटा एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये वर्ड हमें देखने को क्यों मिल रहा है। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा अपने जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बट आज हम लोग मेनली यहाँ पे बात करेंगे अपने गैस्ट्रिक एसिड के बारे में। अब देखो गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्टमक होता है ना, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा एसिड, ठीक है। तो स्टमक के अंदर इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड। अब ये गैस्ट्रिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है? कुछ नहीं, हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। अब देखो यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई HCl का नाम अगर आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि HCl हमारा लोहे तक को गला सकता है, ठीक है। इसके अंदर इतनी पावर है कि लोहा भी अगर आप लोग इसके अंदर डालो, ठीक है, अगर कंसेंट्रेटेड है तो लोहे तक को गला देगा। तो आखिर ये हमारे पेट के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि इसको यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, यानी हमारे पेट के अंदर इस गैस्ट्रिक एसिड को बनाता कौन है? तो बनाती है हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल, पैराइटल सेल, ठीक है, पैराइटल सेल। अब देखो यहाँ पे जो बनने का प्रोसेस है वो आप लोग को जो है अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो पैराइटल सेल हमारी जो है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करती है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस हमारे पेट के अंदर जो है इसका काम क्या होता है? तो देखो काम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जितना भी खाना खाते हो, अगर हमारा गैस्ट्रिक एसिड ना हो तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं, समझ रहे हो बात को? जैसे आप लोगों ने कुछ भी खाना खाया, ठीक है, मान लो यहाँ पे होता है हमारा माउथ, तो यहाँ से आप लोग खाना खाए, ठीक है, और फिर यहाँ से होता हुआ ये हमारे पेट में आता है, ठीक है। तो पेट के अंदर जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है यही हमारे खाने को पचाने का काम करता है, यानी क्या करता है, ये खाने को जो है ब्रेक कर देता है। देखो एसिड है तो जो भी आप लोग खाओगे तो उसको क्या करेगा, गला देगा, है ना, और उसको ब्रेक कर देगा, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो यहाँ पे जो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो देखो नॉनवेज हमारी बॉडी के लिए बना नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो HCl है ना, यही हमारे नॉनवेज वगैरह को बहुत, अब देखो जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं अगर HCl ना हो तो ठीक है, तो आप लोग हजम ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो बात को? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि HCl बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर ये हो ना तो हम लोग जो भी खाएंगे तो कुछ भी यहाँ पे पचने वाला नहीं है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा HCl है, ठीक है, ये हमारे पेट के अंदर सर्वाइव कैसे करता है? तो देखो हमारे पेट के अंदर जो है एक लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस लेयर, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो यही हमारे जो है ये क्या करती है, देखो जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है, तो ये स्टमक के अंदर देखो म्यूकस की एक बहुत अच्छी खासी लेयर होती है और इसी के अंदर हमारा जो है HCl रहता है। तो होता क्या है कि ये HCl देखो इसको हमारा म्यूकस लेयर जो है हमारे स्टमक की ये जो आउटर लेयर है इसको छूने ही नहीं देता है, बात को समझ रहे हो? जैसे कि आप लोगों ने जो खाना खाया वो इसके अंदर आया, तो HCl जो है मतलब इस म्यूकस लेयर के अंदर ही रहता है। और ये म्यूकस लेयर जो है ऐसी लेयर होती है जो कि कह सकते हो कि आप जो है एसिड को जो है बर्दाश्त कर लेती है, और इससे जो है मतलब एसिड हमारे म्यूकस लेयर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। और म्यूकस लेयर क्या करती है, हमारे पेट की जो मेन बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जिससे हमारे एसिड को डैमेज हो सकता है, वहां तक हमारे एसिड को पहुंचने ही नहीं देती है। तो इस तरीके से देखो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म काम करता है और सब कुछ मस्त चलता रहता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे दो टाइप की होती है। पहला, या तो एसिड कम हो जाए, तो उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एसिडिफायर को, ठीक है। अगर एसिड कम हुआ तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, तो भी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो प्रॉब्लम होती है हमारी एसिडिटी की। एसिडिटी आप लोग बोलते हो बेसिकली, इसको बोला जाता है हाइपर एसिडिटी, ठीक है, हाइपर एसिडिटी। तो एसिडिटी का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, ठीक है, अक्सर लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, और आप लोग जो है बहुत सारी दवाएं लाते हो, जैसे कि हमारा डाइजीन वगैरह हो गया, काफ़ी फेमस दवाएं हैं, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा आई थिंक, ठीक है। तो एसिडिटी में होता क्या है, देखो एसिडिटी में होता ये है कि जो हमारा HCl है ये हमारे पेट के अंदर कुछ ज़्यादा ही बनने लग जाता है। अब ज़्यादा बनेगा तो होगा क्या,
देखो ज्यादा बनने से क्या होगा कि सबसे पहले तो ये हमारा ज्यादा बना तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि ये HCl हमारा इतना ज्यादा बन रहा है कि ये हमारे ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ देखो इसको रहना पेट में चाहिए। देखो पेट के अंदर तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसने HCl को बचा लिया, मतलब हमारे पेट को, लेकिन यहाँ पे अगर ये HCl बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर चढ़ने लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारी कोई म्यूकस लेयर तो है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे हमारी जलन होने लगेगी, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चेस्ट एरिया होता है, सीने वाला, और इसीलिए जो है एसिडिटी में आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनके जो है सीने में जलन वगैरह होने लगती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एसिड हमारा ऊपर चढ़ने लग जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, एसिड रिफ्लक्स, जब हमारा एसिड जो है बहुत ज़्यादा हो गया पेट में और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो है चढ़ने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। अब देखो यहाँ पे साइड में हमारा हार्ट भी होता है, ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं होता है हमारा हार्ट, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग काम चलाने के लिए मान लेते हैं, तो देखो जैसे अब एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो हमारा हार्ट भी बगली में है, तो यहाँ पे हार्ट के अंदर भी जो है जलन वगैरह हो सकती है ना, तो यहाँ पे देखो जब हमारी बॉडी में एसिड बढ़ता है तो हमें जो है हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक चीज़ और हो सकती है कि ये जो एसिड है जब ये बढ़ने लग जाए तो ये क्या करे कि हमारी म्यूकस लेयर को ब्रेक कर दे, यानी हमारी म्यूकस लेयर अगर यहाँ से ब्रेक हो गई तो क्या होगा, ये एसिड हमारे स्टमक की वॉल को डायरेक्ट टच करने लगेगा और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी, ठीक है, बहुत असहनीय दर्द होगा, तो उस केस को अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि अल्सर वगैरह हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ रहे हो कि HCl जो है अगर बढ़ गया तो भी बहुत प्रॉब्लम है, कम हो गया तो भी बहुत प्रॉब्लम है। तो कम हो गया तो हम लोग क्या लेंगे, अगर HCl कम हो गया लो, ठीक है, तो क्या लेंगे, एसिडी फायर, यानी एसिड को बढ़ाने वाली दवाएं, और इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है। और अगर HCl बढ़ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे एंटासिड्स, ठीक है, एंड देखो एंड मतलब अपोज करना और एसिड यानी एसिड को कम करने वाली दवाएं, ठीक है, तो HCl का सिक्रेशन अगर बढ़ गया तो हम लोग लेंगे यहाँ पे एंटासिड्स, और इसी को हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे लेक्चर में बस इतना ही था, ठीक है, थ्योरी पोर्शन को हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि एंटासिड्स हमारी कौन सी दवाएं होती हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने के लिए ली जाती हैं, इसको हम लोग क्यों लेते हैं, हाइपर एसिडिटी के केस में, है ना, और इसको हम लोग यहाँ पे हार्ट बर्न और अल्सर को मतलब अल्सर से बचाने के लिए लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखो जो हमारे एंटासिड्स हैं ये हमारे होते क्या हैं, ये हमारे जनरली वीक बेसिस होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोगों को अब तक इतना तो पता चल ही चुका है कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, जब यहाँ पे एसिड और बेस यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, और सॉल्ट हमारा क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो हम लोग जो दवाएँ देंगे वो क्या होगी, वो हमारी बेस वाली नेचर की होंगी, ठीक है, यानी हम लोग जो भी दवाएँ देंगे उसके अंदर का जो नेचर है वो हमारा बेसिक होगा। तो ये करेगा क्या, ये हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, उससे यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, हमारा सॉल्ट बना देगा, वाटर बना देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रल मीडियम मेंटेन हो जाएगा, है ना, कुल मिलाकर जो है एसिड जो है नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल है, समझ जाना चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा उनको सॉल्ट में, और यहाँ पे क्या करता है, देखो यहाँ पे ये जो है गैस्ट्रिक पीएच को इंक्रीज करने का काम करता है। अब देखो इतना आप लोगों को पता है, पीएच अगर लो है तो क्या है, एसिड, और पीएच अगर ज्यादा है तो क्या है, बेसिक। तो अगर एसिड बढ़ गया है तो किसका मतलब क्या है कि पीएच हमारा लो चला गया, यानी नीचे चला गया है। तो अगर हमें एसिड को कम करना है तो क्या करना होगा, पीएच को बढ़ाना होगा, ठीक है, पीएच हमारा बढ़ गया तो एसिड कम हो गया, समझ रहे हो। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि हमारी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो ये सारी हमारे कुछ दवाएं होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स के बारे में, तो ये हमारी दो टाइप की होती हैं, पहला होता है हमारा सिस्टमिक और दूसरा होता है नॉन सिस्टमिक। अब देखो बात करें यहाँ पे सिस्टमिक की, तो देखो इसका नाम क्या है, सिस्टमिक, तो ये क्या होता है, ये हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि देखो जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इसको आप लोग थोड़ा समझना, ठीक है, ऐसे ये हमारी बॉडी है तो हमारी पूरी बॉडी में यहाँ पे ब्लड वेसल का यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है ना, पूरी बॉडी में, अब ऐसा समझ लो आप लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब यहाँ पे सिस्टमिक जो है एंटासिड्स को दिया, सिस्टमिक, ठीक है, तो सिस्टमिक एंटासिड्स क्या करती हैं, ये हमारे ब्लड में ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, और हमारे पूरे बॉडी के पीएच को यहाँ पे बढ़ाने लगती हैं, यानी बात ये है कि हमारे पूरे बॉडी में थोड़ा सा जो है बेसिक माहौल पैदा करने लगती हैं। अब देखो यहाँ पे ये अपना एंटासिड वाला काम तो कर देती हैं, यानी देखो बॉडी में जो है बेसिक माहौल को बना देती हैं, ठीक है, तो एसिड का माहौल कम हो जाता है, यानी एसिड कम हो जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं।
प्रॉब्लम कैसे कर देती हैं कि देखो ये हमारे पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो ये हमारे पूरे बॉडी में थोड़ा सा बेसिक माहौल ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस देखा है तो आप लोग को पता है कि देखो अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बेस ज़्यादा हो गया तो भी तो प्रॉब्लम है। यानी ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग बेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, उससे भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारी सिस्टमिक एंटासिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज नहीं होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको अच्छा नहीं माना जाता है। दे आर नॉट वेरी सुटेबल एंटासिड्स एज दे कैन कॉज मेटाबोलिक एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस का मतलब क्या होता है, बॉडी में हमारे बेस का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि बेस को हम लोग यहाँ पे एल्कली भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एल्कोलोसिस, है ना। अब देखो जो हमारी नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली काफ़ी अच्छी होती हैं, ये हमारे पूरे बॉडी में नहीं अब्जॉर्ब होती है। ये हमारी जो मेन प्रॉब्लम, देखो हमारी मेन प्रॉब्लम स्टमक के अंदर है, तो ये यहीं पे जाके काम करती हैं, ठीक है, और यहीं पे जो है एसिड का लेवल यहाँ पे कम कर देती हैं, ठीक है, और जो भी हमारी यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होती है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे रिपेयर वगैरह कर देती हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंटासिड्स की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ये जो हमारी यूनिट 3 है, तो इसमें जो चारों यहाँ पे हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स दिए हुए हैं उसमें एंटासिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर साल ही पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग को काफ़ी अच्छे से चीज़ें पढ़ के जानी है। तो इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, और यहाँ पे फाइन पार्टिकल फॉर्म में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो इसको जो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कॉज नहीं करना चाहिए, यानी हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि पी जो है एसिड को कम करने के लिए बेस को बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, है ना। और इसके बाद जो है इसका जो है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इफेक्ट होना चाहिए। यानी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो आप लोगों ने एंटासिड लिया, ठीक है, और जो है उसने बस थोड़े टाइम तक अपना इफेक्ट दिखाया, उसके बाद जो है उसका काम ही खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारी बॉडी में एसिड फिर से बढ़ गया तो फिर वो तो हमारे कोई काम की है नहीं। तो इसका थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक असर रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है इट्स शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम इसको नहीं पैदा करनी चाहिए। और उसके बाद इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये स्टेबल होना चाहिए और रेडली अवेलेबल, यानी कि अगर आप लोग ख़रीदने जाओ तो तुरंत मिल जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप लोग ढूंढ रहे हो। और बेसिकली यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटासिड हमारा बहुत महंगा है, है ना। अब डाइजीन वगैरह आप लोग ख़रीदने जाते हो तो बहुत महंगी थोड़ी रहती है, 100 रुपये की रहती है, 100-150 है ना। और बात करें हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स की, तो देखो इसको आप लोग बहुत ही सिंपली समझो कि मान लो हमारी कोई एक एंटासिड ए है, ठीक है, और एक एंटासिड बी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोगों ने कोई एक दवा दी, ठीक है, तो उसका असर थोड़ा सा धीमे रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने ए बी दोनों को मिला के दे दिया तो उसका असर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो यहाँ पे बस वही है कि हम लोग यहाँ पे दो दवाओं का कॉम्बिनेशन मिला के दे देते हैं। अब देखो एक बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दो दवा का कॉम्बिनेशन दो तो हमेशा अच्छा ही हो, है ना, लेकिन अगर सही है तो अच्छा हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी सिस्टमिक एंटासिड है उसको हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलर को भी कॉज कर सकती है। अब नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो है वो हमारी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये हमारी जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जहाँ पे इनको काम करना चाहिए वहीं जाके काम करती हैं। लेकिन देखो इनके अंदर भी कुछ यहाँ पे साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए, यानी इनसे बचने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एंटासिड है उसके इफेक्ट को यहाँ पे बढ़ाने के लिए और उसके टाइम ऑफ ड्यूरेशन को भी बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने कोई दवा ली तो उसका इफेक्ट भी अच्छा हो और ज़्यादा टाइम तक भी रहा इफेक्ट, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है एंटासिड्स को यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जनरली देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसमें एक बहुत ही स्पेशल बात होती है, ठीक है, इसमें जो है एक हमारा रैपिड एक्शन वाला होता है और दूसरे के अंदर होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब इसको बहुत ही सिंपली समझो, हम लोगों ने दो जो है एंटासिड का कॉम्बिनेशन दिया, अब इसमें से ए मान लो इसका जो है रैपिड एक्शन है, यानी ये बहुत ही तेज इफेक्ट दिखाता है, और बी क्या है इसका एक्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी ये ज़्यादा टाइम तक दिखाता है। अब देखो हमारा यहाँ पे दोनों काम बन गया, हमारा यहाँ पे रैपिड एक्शन भी हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी हो गया, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारा बहुत ही अच्छा एंटासिड बन गया, है ना। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो है कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिसमें मैग्नीशियम हमारा क्या होता है फास्ट एक्टिंग, यानी ये जल्दी असर दिखाता है, और एल्यूमिनियम क्या करता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक असर दिखाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे एंटासिड्स में जनरली देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटासिड्स के कुछ एग्जांपल्स की, जिनको हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो हमारा होता है NaHCO3। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो होता है 84.01,
और साइनोडेम की बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एक हमारी प्रोसेस होती है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, उसके द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, देखो अगर 2 है तो हमारा डायरेक्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट, और अगर H लग गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो है रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है और मेथनॉल में सॉल्युबल होता है, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा सैलाइन यानी कि थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट होता है, और यहाँ पे ये बेसिक नेचर का होता है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपली ध्यान रखो, हमारा एसिडिफायर क्या होता है, एसिड को बढ़ाता है, तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। हमारा एंटासिड्स क्या होता है, एसिड को कम करता है, तो एंटासिड्स का नेचर कैसा होगा, बेसिक अल्कलाइन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे ये जो है वाटर में जो है सॉल्युबल होता है। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एंटासिड्स की तरह यूज करते हैं, उसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखो इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर की तरह भी यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थ्योरी में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने लाइजॉल वगैरह देखा है घर साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड कंपाउंड की, तो ये होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो होता है 78 ग्राम पर मोल। साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पाउडर के फॉर्म नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है ये जनरली पाउडर के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे जो है जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं, जैसे कि AlCl3 हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की रिएक्शन से हम लोग यहाँ पे अपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को बना सकते हैं। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा जो है वाइट विस्कस सस्पेंशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। सस्पेंशन आप लोग को पता है ना, इसमें पार्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो देखो जैसा मैंने बताया ये पाउडर के फॉर्म में होता है, पाउडर को हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके बना लेते हैं। और यहाँ पे ये जो है टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, और मिनरल एसिड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, और यूजेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एंटासिड्स और हार्ट बर्न में यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।